हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी रोके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे। तो बात करते हैं बिग बैश लीग मैच नंबर 34 जो कि खेला जाएगा सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर के बीच में। यह मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। अगर लास्ट गेम में बात करते हैं जहां पे सिडनी थंडर को पर्थ ने हरा दिया था और टीम अब तक एक ही मैच जीत पाए, जहां पे पॉइंट टेबल नंबर 7 पे स्टेबल है, जबकि दूसरी तरफ सिडनी सिक्सर की टीम टॉप 3 में है। टीम अब तक खेले गए 8 मैच में से 4 जीत के साथ पॉइंट टेबल नंबर 3 पे स्टेबल है। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 45% रहेगा और टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर विनिंग परसेंटेज की बात करें तो बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 3% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 46% जीतने का चांस है। अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 155 है, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 154 है। अब बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 5 मैच के अकॉर्डिंग, जहाँ पे सिडनी सिक्सर 4 मैच जीत के आ रही, तो सिडनी थंडर 0 मैच जीत के आ रही है। अब बात करते हैं पहली टीम सिडनी थंडर का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब चल रहा है। टीम लगातार हार का झेल रही है, टीम ने 7 मैच खेले जिसमें से एक ही मैच जीत पे आए, 3 पॉइंट के साथ नंबर 7 पे स्टेबल है। टीम टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुकी है। लास्ट गेम में पर्थ टीम को हरा दिया था, जहाँ पे कैमरन बैनक्रॉफ्ट जो टीम के लीडिंग रन स्कोरर हैं, 7 मैच में से उन्होंने 214 रन ही बनाए। टीम के कैप्टन जहाँ पे क्रिस ग्रीन है, एलेक्स बीन है, 187 रन बना के टीम के सेकंड लीडिंग रन स्कोरर हैं। इन दोनों को छोड़ कर बाकी सब बैटर्स फ्लॉप चल रहे हैं, यह टीम की हार का सबसे बड़ा कारण है। बॉलिंग की बात करते हैं, यहाँ पे बॉलिंग भी लगभग सब फ्लॉप चल रहे हैं। बॉलिंग में टॉप परफॉर्मर जहाँ पर डैनियल सैम्स जिन्होंने 11 विकेट निकाले थे। स्पिनर की बात करें तो तन्वीर शंगा इस पिच पे इफेक्टिव हो सकते हैं, नाथन मैकड्यू जो लास्ट गेम में 2 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे कैमरन बैनक्रॉफ्ट है, एलेक्स एल्स है, कॉलर कैटमोर है, ओलिवर डेविस है, मैथ्यू गिलक्रिस्ट, एलेक्स रोज, डैनियल सैम्स, नाथन मैकड्यू, क्रिस ग्रीन, तन्वीर शंगा, गुरिंदर सांधु। अब इनके कुछ की प्लेयर की बात की जाए, जहाँ पे कैमरन बैनक्रॉफ्ट जो कि एक बैट्समैन है, 7 मैच में से 214 रन है, एवरेज 30 का है। दूसरी प्लेयर की बात करें तो ओलिवर डेविस जो कि एक बैट्समैन है, 7 मैच में 152 रन है, एवरेज 21 का है। तीसरी प्लेयर की बात करें डैनियल सैम्स जो कि एक बॉलर है, 6 मैच में 11 विकेट है, इकोनॉमिक 6.5 का है। अब बात करते हैं दूसरी टीम सिडनी सिक्सर का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने टूर्नामेंट का अच्छा स्टार्ट किया, 3 मैच जीत कर, लेकिन लास्ट 5 मैच की बात करें जहाँ पे टीम ने सिर्फ एक ही मैच जीती। लास्ट गेम में टीम ने स्टार को 7 विकेट से हराया था। टीम पॉइंट टेबल 10 पॉइंट के साथ नंबर 3 पे स्टेबल है। टीम के कैप्टन जहां पे ऑलराउंडर मॉइस हनी जो आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं। लास्ट गेम में बैटिंग टॉप परफॉर्मर जेम्स विंस जिन्होंने 79 रन बनाए थे, विंस टीम के हाईएस्ट रन स्कोर है। जॉस फ्लिक टीम के लिए लगातार रन बना रहे हैं। लास्ट गेम में बात करें जहाँ पे बॉलिंग में फेल थी, जैक एडवर्ड टीम को टाइम पे विकेट दिला देते हैं। बॉलिंग में बात करें तो जैक्सन बर्ड लगातार विकेट ले रहे हैं। इस मैच में टीम का स्टार प्लेयर है स्टीव स्मिथ जो अवेलेबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे जॉस फ्लिप है, जेम्स मीन है, डैनियल हक्स है, मॉइन हक्स जो कि कप्तान है, जॉर्डन सिक्स, टॉम करन, जैक एडवर्ड्स, बेन डॉर्सिस, सीन एवॉर्ड, जैक्सन बर्ड और टॉड मुर्फी। अब बात करते हैं कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे पहली प्लेयर है जेम्स मीन जो कि एक बैट्समैन है, 7 इनिंग में 195 रन है, एवरेज 32 का है। दूसरी प्लेयर की बात करें तो जॉस फ्लिप जो कि एक बैट्समैन है, 7 इनिंग में 150 रन है, एवरेज 21 का है। तीसरी प्लेयर की बात करें जो कि एक बॉलर है, जैक्सन बर्ड जो कि 5 में 8 विकेट निकाले, इकोनॉमिक 7.8 का है। दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर लिया, आगे पढ़ते हैं चलते विनर के अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच मैंने सिडनी सिक्सर होगा, यहाँ पे सिडनी थंडर को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।